हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच कार्य में तेजी आने से चौटाला परिवार की धड़कनें तेज होना स्वाभाविक है। ज्ञात रहे कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने हाल ही में सिरसा और डबुवाली विजिट करके स्वयं रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालने का काम किया। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उन्होंने विजिट में काफ़ी जानकारियां हासिल हुई हैं। यह भी पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिरसा और डबुवाली प्रशासन को 3 से अधिक रिमाइंडर भेजे थे, लेकिन चौटाला परिवार के सियासी प्रभाव के चलते या अन्य अज्ञात कारणों से जिला प्रशासन प्रवर्तन निदेशालय के रिमाइंडर को तवज्जो नहीं दे रहा था। लिहाजा दिल्ली स्थित निदेशालय के अधिकारियों ने सिरसा डबुवाली का स्वयं विजिट करने का फैसला लिया, जिसे ये बताते हैं कि उन्होंने चौटाला परिवार द्वारा खरीदी गई संपत्ति के काफ़ी प्रमाण मिले हैं। हालांकि चौटाला परिवार को भी सफाई का मौका दिया जाएगा। स्मरण रहे कि कांग्रेस शासन में ओम प्रकाश चौटाला व उनके दो पुत्र अजय सिंह व अभय सिंह चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के बारे जांच ईडी में चल रही है, लेकिन सिरसा प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग न देने के कारण जाँच में गतिरोध पैदा हो गया था। बहरहाल अब चूंकि प्रवर्तन निदेशालय को कथित रूप से पर्याप्त जानकारी मिल गई है, ऐसे में निदेशालय जांच प्रक्रिया को तेज करने वाला है। जाहिर है यदि जांच प्रक्रिया में तेजी आई तो चौटाला परिवार में चिंता बढ़नी लाजमी है, क्योंकि अगले 2 महीने तक हरियाणा विधानसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में चौटाला परिवार नहीं चाहेगा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रवर्तन निदेशालय कोई नकारात्मक फैसला दे, अन्यथा भाजपा या कांग्रेस को बैठा बिठाए इनेलो और जेजेपी के खिलाफ मुद्दा मिल जाएगा। उधर कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए, ताकि केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की निष्पक्षता व साख पर सवाल न उठा सके। जाहिर है इस कसमकस के कारण हरियाणा प्रदेश की चुनावी सियासत का पारा अचानक गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।